हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सेटिंग जिससे कि आपको अपने फोन को आसानी से स्क्रीन की लाइट को ऑन ऑफ कर पाएंगे बिना पावर बटन को दबाए हुए और बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के इंस्टॉल करके। आपके फोन के अंदर ही वो सेटिंग है, बस आपको कैसे करना है इस सेटिंग को एक्टिवेट, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है जब आप अनलिमिटेड टाइम्स अपने बटन को, पावर बटन को जब आप दबाएंगे, बार बार दबाएंगे तो वो बटन खराब होता है, वो रियर एंड टियर होता है। आज जो मैं आपको ये बताऊंगा, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना होगा। आपके फोन के अंदर ही ये मिलता है सेटिंग और बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। तो कैसे एक्टिवेट करना है लाइव अपने फोन के ऊपर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट करना। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अब आपको मेरा फोन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये देखिए आपको सामने दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे मैं ये कर रखा हूं, तो देखिए मैं डबल टैप कर रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन स्क्रीन बंद हो गया। फिर मैं डबल टैप किया और देखिए स्क्रीन जल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसको कैसे सेट करना है, यही काम एग्जैक्टली आप भी अपने फोन के स्क्रीन पे कर सकते हैं। मैं कोई पावर बटन नहीं दबा रहा हूं, मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कर रहा हूं और इससे मेरी स्क्रीन की लाइट देखिए बुझ रही है और इस तरह से जल रही है। तो यही एग्जैक्टली आपको करना है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये वीवो फोन के ऊपर बता रहा हूं, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन होगा उसके अंदर ये सेटिंग बिल्कुल मिलेगा, बस आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई दे रही है मेरे फोन के ऊपर, तो ये सेटिंग है, इसी के अंदर हम जाएंगे यहाँ सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपके फोन के अंदर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, ये वाली ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगी शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। तो आपको इसी ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं इस ऑप्शन में चला गया और उस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे फिर से आपके सामने एक स्मार्ट मोशन करके ऑप्शन आएगा जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको ऊपर जाना है आपको। और यहाँ पे जाने के बाद से फिर यहाँ पे देखिए स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो रेडियो बटन को मैंने ऑन कर रखा है, यही वो दो रेडियो बटन है जिसको आपको भी अपने फोन के अंदर ऑन करना है और आपका सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है डबल टैप टू वेक और यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये दोनों रेडियो बटन जैसे मैंने ऑन कर रखे हैं, इसको आपको बस ऑन करना है अपने फोन के अंदर। और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे फिर आपका फोन बिल्कुल इस तरह से एक्टिव हो जाएगा और आपको कोई भी अपने पावर बटन को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फोन जैसा मेरा फोन स्क्रीन ऑन ऑफ हो रहा है, डबल टैप करेंगे ऑन हो जाएगा, डबल टैप करेंगे ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने फोन को स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पावर बटन और विदाउट यूजिंग एनी ऐप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपनी सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर क्वेश्चन आपका अच्छा हुआ तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।